हेलो गाइस, मैं आराम कर दूं और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने जलन टेक। दोस्तों, आज के सत्र में बात करने वाले दो ब्राउजर्स के बारे में, क्रोम ब्राउजर एंड विवाल्डी ब्राउजर। जैसा कि आपको पता है, क्रोम ब्राउजर इंडिया में काफी फेमस है और लोग इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा है मात्रा में करते भी हैं। वैसे ही याद है, यहाँ पर एक विवाल्डी ब्राउजर जो पहले केवल विंडोज और मैक ओएस के सॉफ्टवेयर में चलता था, अब ये एंड्रॉइड के लिए भी आ चुका है और काफी कमाल का इसका इंटरफेस है। इसका इंटरफेस तो काफी अच्छा है। इसमें दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर से काफी ज्यादा फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको कोई भी चीज ऐड करना हो तो आप डायरेक्ट उसका लिंक एड्रेस कॉपी करके इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। इसमें इसमें आपको डार्क मोड बिल्कुल ही सामने देखने को मिल जाएगा। आपको इसमें कोई भी क्रोम ब्राउजर की जैसे झंझट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कोई सा भी फोन हो, आपको ये आराम से डार्क मोड में कन्वर्ट कर देगा और आप डार्क मोड का फायदा उठा सकते हैं। इसकी खास बात है दोस्तों, इस ब्राउजर में आपको काफी फास्ट स्पीड देखने को मिलती है। जैसा कि आप क्रोम ब्राउजर में पता है, बहुत से अगर आप डेस्कटॉप साइट ओपन करते हैं तो क्रोम ब्राउजर बहुत ही टाइम लेता है, बट अगर यहाँ पे अगर आप विवाल्डी ब्राउजर को यूज करते हैं और अपने फोन में डेस्कटॉप साइट ओपन करते हैं तो आपको काफी जल्दी से इसका एक्सेस हो जाएगा और काफी बढ़िया ये मिलने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और चलिए आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और दिखाता हूँ इसको कैसे यूज करना है और इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको विवाल्डी ब्राउजर यूज करने के लिए सबसे पहले जाना होगा अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप लोग को सर्च करना होगा विवाल्डी ब्राउजर। जैसे ही आप लोग विवाल्डी ब्राउजर सर्च करेंगे, आप सबके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, दूसरे नंबर पर विवाल्डी ब्राउजर जो है कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे बीटा लिखा हुआ कोने में, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद इस पर आप लोग को टैप करके ओपन करना है और आप लोग को सिंपल सा इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, आप लोग को अनइंस्टॉल एंड ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट ऐप के द्वारा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही देखिए मेरा इंस्टॉल हो गया और मैं इसको अब ओपन करूंगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा और यहाँ पे लाइट मोड आप लोग ऑन रहने दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, उसके साथ देखिए ये कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग को दिख जाएगा विवाल्डी ब्राउजर का। तो सबसे पहली जो बात है, यहाँ पे आप लोग को देखिए बिंग में सर्चिंग हो रही है, तो इसको आप लोग को हटाने के लिए यहाँ पे सबसे कोने में जाइएगा और उसके बाद आप लोग को जाना है सेटिंग पे। जैसे आप लोग सेटिंग पे जाएंगे, सर्च इंजन देखिए सबसे ऊपर है, इसको आप लोग क्लिक करना है। उसके बाद नीचे से दूसरे नंबर पर आप लोग जाना है गूगल पे, आप लोग इसको गूगल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्चिंग जो है वो गूगल लिखा दिखाने लगेगा, तो आप लोग कोई भी चीज़ सर्च करेंगे वो आपको गूगल में सर्च होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सर्च दिखा देता हूँ, यूपी स्कॉलरशिप। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूपी स्कॉलरशिप, तो आपके समय ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ये देखिए अभी ये आपको मोबाइल वाले इंटरफेस में देखने को मिल जाएगा, तो चलिए मैं इसको खोल देता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ये देखिए मोबाइल वाला अभी भी साइट ओपन हो रहा है। और यहाँ पे अगर आपको इसको डेस्कटॉप साइट पे करना है, डेस्कटॉप मोड पे, तो यहाँ पे कोने में देखिए ऊपर काले में इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे डेस्कटॉप साइट दिख जाएगा, उस पर जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आप सबके सामने ये पूरा का पूरा डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। देखिए ऐसे ही आप इसको अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं या फिर क्रोम ब्राउजर में जैसे आप करते हैं। तो ये काफ़ी फास्ट भी है और क्रोम ब्राउजर से काफ़ी जल्दी जल्दी खुलता है। अब इसको आपको रिसेंट टैब में डालना है, तो आप लोग इसको रिसेंट टैब में कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे कोने में आपको एक दिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह दिखाई देगा। आप प्लस के चिन्ह पे क्लिक करेंगे, आपको वो टैब जो आएगा आपको दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें आपको कुछ दूसरी चीजें ओपन करनी है, जैसे मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ विराट कोहली, तो मैं यहाँ पे जैसे विराट कोहली सर्च किया, ये देखिए दूसरा टैब मेरे साथ ओपन हो गया। अब मैं इसको क्या करूंगा कि देखिए यहाँ पे दो वाला जो नीचे कोने में बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा रिसेंट टैब भी दिखाएगा। ये देखिए स्कॉलरशिप वाला टैब और ये देखिए आपका विराट कोहली वाला टैब। तो इसको अगर मान लीजिए इसमें से आपको कोई डिलीट करना होगा, तो आप कट के ऑप्शन पे डिलीट कर देंगे, वो वाला डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई और भी टैब बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस का क्लिक करके बना सकते हैं। बाकी सब तो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी आगे के इसमें इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, वो है कि इसमें आप लोग को डार्क मोड अगर ऑन करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे ऊपर कोने में एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप उसके बाद सेटिंग में जाएंगे। जैसे आप सेटिंग में जाएंगे, आप सबके सामने एक ऑप्शन आएगा थीम का। जैसे थीम पे क्लिक करेंगे, आप लोग के सामने आएगा एक ऑप्शन डार्क का। जैसे आप डार्क मोड पे करेंगे, ये देखिए डार्क मोड ऑन हो गया, क्योंकि क्रोम ब्राउजर में जल्दी नहीं होता है, आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और कुछ कुछ फ़ोन में तो एकदम डार्क मोड नहीं आता है क्रोम ब्राउजर। तो अगर आप लोग को डार्क मोड पसंद है तो यूज काफ़ी अच्छा होना है। चलिए सर्च करके आपको दिखाता हूँ कि आप लोग को इस पे करना चाहते हैं तो वो देखिए एक प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को लिख देना है YouTube या फिर जो कुछ भी आप लोग चाहते हैं। उसके बाद URL में आप लोग को लिखना है HTTPS। उसके बाद ये आपको देना है ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, YouTube.com आप लोग को लिख देना है। उसके बाद सिंपल सा आप लोग का यूट्यूब जो है एक्सेस होने लगेगा, वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से। देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ, कुछ तरीके से ओपन हो जाएगा और देखिए डार्क मोड कितना अच्छा दिखाई दे रहा है।
उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि अगर आप लोग चाह रहे हैं इसको डेस्कटॉप मोड पे ऑन करना, तो सबसे ऊपर कोने में क्लिक करिए और डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए डेस्कटॉप मोड में भी ऑन हो जाएगा। काफ़ी कमाल का ये ब्राउजर है और काफ़ी फास्ट भी है। मेरा डाटा यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है तो ये अभी स्लो है। उसके बाद जैसे आप क्रोम ब्राउजर में इसको जूम इन जूम आउट कर पाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी जूम इन जूम आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको साइन इन का मांग रहा है, तो मैंने अभी साइन इन नहीं किया है, बाद में कर लूंगा मैं। अभी यहाँ पे देखिए आप लोग प्लस पे क्लिक करेंगे तो वीडियो अपलोड और जो कुछ भी ऑप्शन आते हैं क्रोम ब्राउजर में या फिर आपके लैपटॉप में, वैसे एकदम सेम टू सेम आएगा और काफ़ी फास्ट ब्राउजर है ये। तो चलिए रिसेंट टैब में जाना है और इसको आप यहाँ से उड़ा भी सकते हैं या फिर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए ये ईबे है, अमेजोन है, booking.com है, इसमें से आपको कुछ भी उड़ाना है तो आप लोग कैसे डिलीट करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्पीड डायल में आप लोग को जाना है। स्पीड डायल में जैसे ही आप लोग जाएंगे आपके सामने वो सब चीजें आ जाएगी। यहाँ पे मेरे को स्पीड उड़ाना है, अमेजोन उड़ाना है, एक्सपीडिया उड़ाना है, कायक उड़ाना है, तो यहाँ पे इस चारों को सिलेक्ट कर यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करूंगा डिलीट बुक मार्क्स कर देंगे। तो खाने पे आ जाना है, ये सब चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं और यहाँ पे ईबी भी जो उड़ चुका है, मैंने बुकिंग कार्ड को नहीं उड़ाया क्योंकि मैं भूल गया वहाँ पे, यूट्यूब का गूगल भी आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इस ब्राउजर को पूरी तरीके से चला सकते हैं। तो आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सही करने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटे को दबा दें क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोज मैं लाता रहता हूँ।